15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देश आज 76वां आर्मी डे मना रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है आर्मी डे? बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। सेना के जवान ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए आज का दिन गर्व करने का है। देश आज 76वां आर्मी डे मना रहा है। इंडियन आर्मी यानी कि हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे में हर साल 15 जनवरी को विशेष तौर पर हमारे भारतीय रणबांकुरों के लिए आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे कार्यक्रम आज यूपी की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 15 जनवरी को भारतीय सेना के लिए खास दिन है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी कब अस्तित्व में आई थी। भारतीय सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, लेकिन तब हमारा देश गुलाम था। भारतीय सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से ही हुई थी और इसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से इसे जाना जाता था और आजादी मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाने लगा। तब हमारा पहला सेना प्रमुख एक अंग्रेज था और सेना प्रमुख ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बूचर को बनाया गया था। आजादी के 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को हमें पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला। इनका नाम था फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब देश सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था, वही विभाजन का दंश झेल रहा था। तब कई प्रशासनिक समस्याएं भी उभरने लगी। इसी वक्त सेना को स्थिति नियंत्रित करने के लिए आगे आना पड़ा और इसके बाद 15 जनवरी की तारीख चुनी गई, क्योंकि इसी दिन फील्ड मार्शल करियप्पा पहले सेना प्रमुख बने थे। दरअसल आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का निर्माण करते समय ये बेहद जरूरी था कि देश की रक्षा का दायित्व उसी के वीर सपूतों को सौंपा जाए। इसीलिए इस ऐतिहासिक क्षण को सम्मानित करने और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाना लगा। इस दिन आयोजित होने वाली परेड में सैनिकों के अनुशासन, शौर्य और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन होता है। यहाँ भारतीय सेना प्रमुख परेड की सलामी लेते हैं, जो एक सम्मानजनक परंपरा है। 1949 से 2022 तक सेना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में किया जाता था, लेकिन फिर सेना दिवस परेड को दिल्ली के बाहर ट्रांसफर किया गया। पिछले साल परेड बेंगलुरु के एमईडी एंड सेंटर के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार भारतीय सेना के 76वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में एक शानदार परेड की मेजबानी की जा रही है। ये लगातार 2रा साल है। इस साल की सेना दिवस परेड विशेष होगी, क्योंकि बेस्ट मार्चिंग दल का चयन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जा रहा है। वही ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख बने, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। इस दिन भारतीय सेना के उन सैनिकों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।